लोगों को आपने देखते होंगे कि गर्दन में तकलीफ रहती है और इस तरह का बेल्ट यूज करते हैं, तो ये बेल्ट कब यूज करना चाहिए और कब तक यूज करना चाहिए, तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट और चेयरमैन ऑफ साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ अ लवली वुमन। एक्चुअली इस तरह के बेल्ट जो देखेंगे सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर है, जो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इससे भी हार्ड आता है, जो हार्ड सर्वाइकल कॉलर रहता है, और एक उससे भी जिसमें फ्रैक्चर वगैरह रहता है तो इसमें फिलाडेल्फिया कॉलर यूज करते हैं, जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो सकता। सॉफ्ट में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है और हार्ड इससे भी थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन सॉफ्ट में भी बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये ज्यादा चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है। तो एक्चुअली आपका गर्दन कितना लंबा है उस हिसाब से आप मिडिल साइज, लार्ज साइज, एक्सेल साइज, स्मॉल साइज यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये है। लेकिन ये कॉलर यूज क्यों करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी गर्दन में बहुत ज्यादा कष्ट हो, बहुत पीड़ा रहता है, जब गर्दन के मूवमेंट में उसको दिक्कत होती है, वैसे समय में ही कॉलर यूज करना रहता है। लेकिन कितना लोग इसको एज ए फैशन यूज कर लेते हैं, कितना बार इसको रेगुलरली यूज करने लगते हैं, कितना बार तो ऐसा भी रहता है कि एक एक साल डेढ़ साल यूज करते हैं और ये फायदा ना देके नुकसान देता है। इससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां और कमजोर हो जाती है और दिक्कत होता है। इसका यूज तभी है जब आपको बहुत कष्ट है। बहुत बार होता है कि गर्दन की तकलीफ एकाएक बढ़ गई, कुछ हुआ, कुछ झटका पड़ा, चाहे आपका पिलो सही नहीं है और आप इसको यूज किए और गर्दन की तकलीफ बढ़ गई, तो वैसे समय में दो दिन, चार दिन, पांच दिन के लिए जब तक तकलीफ आपकी राहत नहीं मिलती है, तो ये सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर या अगर बहुत कष्ट है तो हार्ड सर्वाइकल कॉलर भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो एक एक कर्व वाला एरिया है, सब में रहता है लगभग, ये सभी जितने भी डिजाइन रहेंगे ना, इसमें एक कर्व वाला एरिया, एक कर्व वाला एरिया अंदर जाना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए इसमें। और एक चीज और भी, मैंने ऐसे भी देखा कि ऐसे लगा लेते, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सुधी के अंदर जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कष्ट बहुत ज्यादा है, अच्छा ये बिल्कुल लूज भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना तो ये लगा के और आपका मूवमेंट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है इसको लगाने का, तो गर्दन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसी पर्पज के लिए लगाते, क्योंकि गर्दन के मूवमेंट में मरीज को कष्ट होता है, तो इसको रेस्ट देने के लिए बेल्ट यूज करते हैं। अगर बहुत कष्ट है तो आप हार्ड सर्वाइकल कॉलर भी यूज कर सकते हैं। फिलाडेल्फिया को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तो नहीं यूज होता है, लेकिन नॉर्मली जब ट्रॉमा रहता है, कोई सर्जरी करते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा भी गर्दन का मूवमेंट ना हो, तो वहाँ पे फिलाडेल्फिया कॉलर यूज करते हैं। तो इस कॉलर के बारे में कैसे यूज करना, कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा, कौन सा साइज यूज करना, तीसरा चीज कब तक यूज करना है, जिंदगी भर यूज नहीं करना है, जिंदगी भर आप यूज करेंगे तो ये आपके, वो समझिए कि स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हमेशा क्लियर रहेगी।